आज टिंकरकैड सॉफ्टवेयर का थर्ड सेशन है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट अल्ट्रासोनिक सेंसर एंड उसका प्रोग्रामिंग में। इससे पहले जो दो पार्ट्स है, अगर कोई न्यू हो तो वो दो पार्ट जरूर देख लेना, और उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा इस वीडियो का। तो शुरू करते हैं हम लोगों का प्रोग्रामिंग। तो फर्स्ट सर्किट में जाओगे, देन क्रिएट न्यू सर्किट। क्रिएट न्यू सर्किट करने के बाद हम लोग नेम चेंज कर देंगे हम लोग का प्रोग्रामिंग का नेम। अल्ट्रासोनिक सेंसर विथ एलईडी। तो इसके लिए जो जो हमें कंपोनेंट चाहिए, पहले हम लोग वो उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते। आर्डिनो R3, इसका डिटेल्स में लास्ट वीडियो में पूरा बता दिया था, अगर किसी को डाउट है तो वहां पे जरूर देख लेना। कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर इन्फॉर्म करना मुझे। देन अल्ट्रासोनिक सेंसर, यहाँ पे अल्ट्रासोनिक सेंसर है मगर ये 3 पिन का है, तो हमें 4 पिन का अल्ट्रासोनिक सेंसर से हम लोग काम करेंगे। देन यहाँ पे अल्ट्रासोनिक सेंसर हम लोग लिखेंगे। अल्ट्रासोनिक सेंसर देखो यहाँ पे 4 पिन का भी है, हम लोग उसको चाहिए 4 पिन का ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। 3 पिन और 4 पिन का डिफरेंस ये है, यहाँ पे VCC, GND, ट्रिगर एंड इको है, यहाँ पे सिर्फ VCC, GND एंड आउटपुट पिन है। देन हमें चाहिए एक ब्रेडबोर्ड, एक LED, एंड एक रजिस्टर, और हम लोग एक इसके साथ हम लोग एक बजर भी अटैच कर देंगे, तो बजर के लिए और एक रजिस्टर हमें चाहिए। तो पहले कनेक्शन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे। ये जो हमारा अल्ट्रासोनिक सेंसर है, इसमें टोटल 4 पिन है, मैं पहले ही बताया। जब हम लोग VCC और GND अटैच कर देंगे तो यहाँ से एक साउंड वेव रिलीज होगा, जो 0.4 सेकेंड की इंटरवल में रिलीज होता है, और ये साउंड वेव जहाँ पे जाके ऑब्स्टिकल मिलेगा, देन वहां से ये रिटर्न आके ये जो रिसीवर है वो रिसीव करेगा। ये ट्रांसमीटर है, ये T लिखा है, ये R लिखा है, रिसीवर है। इसके थ्रू ये लोग कैलकुलेट करता है कितना डिस्टेंस ये है ऑब्स्टिकल और ये सेंसर के बीच में, उस हिसाब से ये कैलकुलेट होता है। तो इसके लिए हम लोग अभी कनेक्शन करते हैं। तो फर्स्ट कनेक्शन हम लोग GND, जो कॉमन GND पहले बना लेते हैं, कॉमन GND हम लोग बना लिए, और ये जो VCC है यहाँ से 5 वोल्ट हम लोग लेके और इसका हम लोग रेड कलर कर देते। देन ये कॉमन नेगेटिव हो गया, ये कॉमन 5 वोल्ट हो गया GND। तो GND इसके साथ अभी कनेक्ट करके यहाँ पे इसको हम लोग यहाँ पे लेके आते GND, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट यहाँ से कनेक्ट कर देंगे GND में, ग्राउंड में, और जो हमारा 5 वोल्ट है ये कनेक्ट कर देंगे हम लोगों का VCC में। इसका कलर रेड कर देते। देन हम लोग ट्रिगर के लिए 2 पिन यूज करेंगे, 7 नंबर पिन ट्रिगर के लिए यूज करेंगे, और जो हमारा इसका हम लोग कलर चेंज करके ऑरेंज कर देते हैं, और जो हम लोग इको है वो 6 नंबर पिन के साथ अटैच कर देंगे, डिजिटल पिन 6 नंबर के साथ अटैच कर देंगे ट्रिगर एंड इको। इसके बाद हम लोग एक LED के लिए एक पिन चूज करेंगे और एक बजर के लिए पिन चूज करेंगे। तो हम लोग ये जो एनोड है, यहाँ पे देखो एनोड है, ये एनोड के साथ हम लोग हमेशा रजिस्टर यूज करेंगे, और यहाँ पे पॉजिटिव के साथ, क्योंकि एनोड जो है पॉजिटिव पोर्शन डिनोट करता है, और ये पॉजिटिव के साथ। देन नेगेटिव जो है वो हम लोग डायरेक्ट GND, कॉमन GND जो हम लोग यूज किए वो GND के साथ अटैच कर देंगे कैथोड को भी। और यहाँ पे हम लोग 2 पिन यूज करेंगे, एक है 2 नंबर पिन, 2 नंबर पिन यूज करेंगे, जो ये लोग दे रहा हूं, और हम लोग 1 नंबर पिन यूज करेंगे फॉर बजर। तो ये हम लोगों का कनेक्शन हो गया, अभी हम लोग चलते हैं कोडिंग। कोडिंग में जो एक्सेस, ये जो कोडिंग है हमें नहीं चाहिए, हम लोग इसको डिलीट कर देते हैं।
डिलीट करने के बाद फर्स्ट यहाँ पे जैसे सेंसर यूज करेंगे तो वेरिएबल यूज करना होगा। पहले एक वेरिएबल हमें बनाना होगा जो डिस्टेंस, हम लोग इसके वेरिएबल का नेम देंगे डिस्टेंस। डिस्टेंस क्रिएट करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा सेट डिस्टेंस बाय जीरो, तो इसको हम लोग ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप करेंगे। देन हम लोग चले जाएंगे इनपुट, क्योंकि ये जो है इनपुट डिवाइस है, कोई भी सेंसर वो है इनपुट डिवाइस होता है, तो ये हम लोग का इनपुट डिवाइस है, तो हम लोग इनपुट डिवाइस में जाएंगे। और एलईडी और बजर है जो आउटपुट डिवाइस है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है रीड अल्ट्रासोनिक सेंसर डिस्टेंस सेंसर, ये हम लोग क्लिक करेंगे। और हमारा ये पहले हम लोग देख लेंगे जो हमारा ट्रिगर है वो 7 नंबर पिन के साथ अटैच है और इको जो है 6 नंबर पिन के साथ अटैच है। तो यहाँ पे हम लोग चेंज कर देंगे, ट्रिगर जो है वो हम लोग यूज कर रहे हैं 7 नंबर पिन और जो हमारा इको पिन है वो हम लोग कर रहे हैं 6 नंबर पिन। इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट हम लोग का जो नेक्स्ट लाइन है वो है प्रिंट सीरियल मॉनिटर। देन हम लोग आउटपुट में जाएंगे और यहाँ पे एक है प्रिंट सीरियल मॉनिटर। देन उसमें हम लोग फिर वेरिएबल में जाएंगे, डिस्टेंस जो है वहां पे इसके साथ अटैच कर देंगे डिस्टेंस। देन हम लोग इफ कंडीशन में जाएंगे, क्योंकि ये हम लोग का जो प्रोग्राम है वो इफ एल्स के डिपेंडेंट है। जब हम लोग का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर या हम लोग जो देंगे 40 सेंटीमीटर के ग्रेटर देन रहेगा, दैट मीन्स वो बंद रहेगा। अगर 40 सेंटीमीटर के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट आ जाएगा, दैट मीन्स वो बजर और हमारा एलईडी ऑन हो जाएगा। ये जो प्रोग्राम है ये हम लोग यूज कर सकते हैं सिक्योरिटी सिस्टम में, या अभी सोशल डिस्टेंसिंग में ये वाला हम लोग प्रोग्राम यूज कर सकते हैं, ये वाला डिवाइस। और ये डिवाइस हम लोग और एक जगह यूज कर सकते हैं जो हम लोग का ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइजर मशीन सेम होगा, मगर बजर की जगह पे हम लोग एक मोटर यूज कर सकते हैं, मगर प्रोग्रामिंग सेम होगा। देन हम लोग चले जाएंगे मैथ पोर्शन पे और ये जो ऑप्शन है इसको हम लोग क्लिक करेंगे मैथ फॉर्मूला। तो यहाँ पे भी हम लोग डिस्टेंस को डुप्लीकेट कर लेंगे और यहाँ पे डिस्टेंस को लगा देंगे। जब डिस्टेंस लेस देन 40 होगा देन क्या होगा, जो हमारा पिन है जैसे आउटपुट पिन वो हम लोगों का हाई होगा। आउटपुट पिन हम लोगों ने कौन सा लिया, 2 एंड 1, तो इसको हम लोग डबल कर देते डुप्लीकेट, देन 2 एंड 1 नंबर पिन हाई होगा। और उससे अलावा अगर कुछ हुआ जैसे वो 40 सेंटीमीटर से ज्यादा हो गया, दैट मींस ये हमेशा लो ही रहेगा। रहा हूँ पिन नंबर जो है वो 3 एंड 4 नंबर हम लोग पिन यूज करेंगे एलईडीज और बजर के लिए। तो यहाँ पे एलईडीज और बजर के लिए 3 नंबर और 4 नंबर पिन नंबर यूज किए, यहाँ पे देख लो। देन चलते हैं हम लोग इसको प्रोग्रामिंग को रन करते। प्रोग्रामिंग रन करने के लिए स्टार्ट सिमुलेशन हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही देखो यहाँ पे लिखा है 40 सेंटीमीटर, जैसे ही यहाँ पे देखो 40 सेंटीमीटर के कम अगर डिस्टेंस रहेगा, दैट मींस बजर और एलईडी हाई होगा। तो ये जो हमारा 40 से यहाँ पे अभी दिखाई दे रहा है 73 सेंटीमीटर, जैसे ही मैं 40 सेंटीमीटर के नीचे लेके आ रहा हूँ या डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट और सेंसर के बीच में 7.2, ये ऑन हो जाएगा बजर और एलईडी। जैसे ही मैं इसको और थोड़ा सा लेंथ वाइज जैसे मैं 74 सेंटीमीटर के यहाँ पे लेके जाऊंगा, तो दैट मीन्स ये दोनों ऑफ हो जाएगा। मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ, जैसे 40 सेंटीमीटर के नीचे या 40 सेंटीमीटर के नीचे कोई भी ऑब्जेक्ट रहेगा, दैट मीन्स ये एलईडी और बजर ऑन हो जाएगा। जैसे मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा देन ये डिस्टेंस जैसे बहुत हो जाएगा तो ये दोनों ऑफ हो जाएगा। ये हम लोग यूज कर सकते अभी COVID-19 में जितना भी प्रोजेक्ट अल्ट्रासोनिक सेंसर यूज कर सकते हैं, जैसे डिस्टेंस मेंटेन, ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइजर मशीन, तो इसमें हम लोग ये सेम प्रोग्राम यूज कर सकते हैं। एंड देन देखो यहाँ पे हम लोग कोडिंग पोर्शन में जाएंगे, स्टॉप सिमुलेशन करते थे। कोडिंग पोर्शन में जिसको अभी आर्डिनो का प्रोग्रामिंग चाहिए तो ये ब्लॉक पोर्शन से लेके क्लिक करने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शन होता है ब्लॉक एंड टेक्स्ट, तो हम लोग टेक्स्ट ऑप्शन में चले जाते हैं। देन कंटिन्यू करेंगे देन ये जो नोट डाउन कर लेना ये प्रोग्रामिंग, दैट मीन्स ये प्रोग्रामिंग अगर नोट डाउन कर लोगे तो जब तुम लोग आर्डिनो में करोगे तो यहाँ से तुम लोग ये प्रोग्राम को कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हो। एंड देन जो डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है ये यहाँ से फॉर्मूला यहाँ पे देखो, ये जो डिस्टेंस का फॉर्मूला है ये है फॉर्मूला जब हम लोग आर्डिनो यूज करेंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो को अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर देना, अगर कोई भी डाउट है तो कॉमेंट बॉक्स में
वहाँ पे मेंशन करना, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको सॉर्ट आउट करेंगे। और ये वीडियो को अपने फ्रेंड में शेयर कर दो, और तुम लोग यहाँ इसको यूज करके कुछ नया प्रोजेक्ट बनाओ। कुछ भी डाउट होगा तो मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।